अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीसा किचन रूटीन। आज हम कस्टर्ड ट्राइफल बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। हमें 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेना है। यहाँ पे मैंने कैन फ्रूट्स यूज़ किए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोकोनट फ्लेवर्ड कुकीज़ लिए हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैरी या फिर चॉकलेट फ्लेवर। और एक पैकेट जेली का लेना है। यहाँ पे मैंने मिक्स बेरीज ली है, आप कोई भी फ्लेवर ले लें जो आपको पसंद हो। 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लेना है, आपको ज़्यादा ठीक पसंद हो तो आप 6 ले लें। और 1/2 कप शुगर लेनी है। सबसे पहले हम जेली बना लेंगे। जेली के पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, उसी हिसाब से आपको जेली बनानी है। जब उबाल आ जाए तो फ्लेम ऑफ कर दे और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दे। देखिए उबाल आ चुका है, अब हम साइड पे रख देंगे। बाउल में कुकीज़ अरेंज कर लेंगे और इसके ऊपर जेली का मिक्सचर डाल देंगे। कुकीज़ को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। बाकी की जेली को हम प्लेट में निकाल लेंगे और क्यूब्स बना लेंगे जिससे हम डेकोरेट करेंगे। अब हम कस्टर्ड बना लेंगे। मीडियम हीट पे दूध उबाल लेना है। एक उबाल आ जाए तो शुगर ऐड कर देनी है। शुगर डालने के बाद अच्छे से मिला ले। कस्टर्ड पाउडर में दूध मिलाकर पेस्ट बना लेनी है और ऐड कर देना है। पेस्ट मिलाते वक्त स्पून चलाते रहना है। हमें हीट मीडियम रखनी है। अब हमें 5 से 10 मिनट तक स्पून चलाते हुए पकाना है। हमें स्पून चलाते रहना है वरना दूध नीचे से जल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है, इसे हम फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। ध्यान रहे कस्टर्ड ठंडा होने के बाद ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि अगर लेयरिंग के वक्त कस्टर्ड गर्म होगा तो जेली मेल्ट हो जाएगी। हमारी जेली भी अच्छे से सेट हो चुकी है। आप कुकीज़ की जगह केक भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड लेयर फ्रूट्स का आएगा। अब 3rd लेयर कस्टर्ड का होगा। हमने जो अलग से प्लेट में जेली निकाली थी उसके क्यूब कर लेने हैं और इस तरह से डेकोरेट कर लेना है। डेकोरेशन बिल्कुल आपके ऊपर है। कस्टर्ड के ऊपर आप व्हिपिंग क्रीम का लेयर भी लगा सकते हैं। और लीजिए, हमारा बहुत ही इजी और टेस्टी कस्टर्ड ट्राइफल रेडी हो चुका है। आप एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।